Welcome all to AFS Solutions Online Laptop Chip Level Training Institute. Mohammed Rafi here from AFS Solutions Bangalore. खुशी खुशी से तहे दिल से आपके लिए दिल खोल के AFS Solution अपना दरवाज़ा खोल के आप सबको मैं स्वागत करता हूँ हमारे AFS Solution के ऑनलाइन क्लासेस में. बदर यकीन मानिए ये सफ़र हमारा लंबा रहेगा इंशाल्लाह. एंड आई बी स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी, दो लैंग्वेज में बात करूंगा इधर. को प्लीज डिस्टर्ब मत करना क्लास के टाइम पे. सब कुछ डाउट क्लियर करूंगा, सब कुछ सिखाऊंगा. बस आप थोड़ा पेशेंस से रुक के सुनते जाइए, सीखते जाइए. एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू, क्रिस्टल क्लियर. आप सब लोग AFS सॉल्यूशन के फैमिली में आज जुड़ने वाले हैं. ऑलरेडी आपके ऑनलाइन क्लास में आ गए हैं. AFS सॉल्यूशन का बहुत से दरवाजे आपको खुलने वाले हैं. एक नया खुशी हो रहा है, एक नया फैमिली जुड़ रहा है, जैसा ऐसा लगता है कि ईद के बाद कोई आके गले मिल रहा है करके. आपको सब मिल के आप सब लोगों ने यकीन किया है कि मैं रफ़ी सर से AFS सॉल्यूशन से ऑनलाइन में आके मैं सीख सकता हूँ करके. यू हैव टेकन द ट्रस्ट. इंशाल्लाह वी विल नॉट लेट यू डाउन ऑल्सो. आपके यकीन के लिए हम और मेहनत भी करेंगे. बस ये समझना ब्रदर, ये शुरुआत है करके. हमारे जितने भी यहाँ AFS सॉल्यूशन के ऑलरेडी दो ओल्ड बैचेस हैं जिन्होंने भी सीखा है, वो एक फैमिली जैसा है मेरे लिए, एक ब्रदर जैसे हैं. सब लोग मेरे लिए भाई जैसे हैं और सब लोग मेरे लिए क्लोज है. सब लोग मेरे लिए क्लोज हैं. जितना मैं उनके ऊपर भरोसा रखता हूँ उतना ही वो मेरे ऊपर भी भरोसा रखते हैं. हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरा वीडियोस मत लीक कीजिए. आपकी मेहनत की, टाइम की, हर चीज़ की कुर्बानी है इधर. ये AFS सॉल्यूशंस का पहला सबक है. प्लीज़ पेशेंस रखिए. प्लीज़ डू नॉट टेक्स्ट, नॉट इंटरेस्टेड. हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, थैंक यू, नमस्ते, सत श्री अकाल, ये पूरा अभी थोड़ा बंद कीजिए. ये पूरा व्हाट्सएप के लिए छोड़िए. अभी आप पूरा मेच्योर्ड हो रहा है. मेच्योर्ड का मतलब क्या? यू आर गोइंग टू स्टैंड ऑन योर ओन लेग्स टू अर्न योर ब्रेड एंड बटर. उसके लिए आपको जो चीज़ जो भूख के लिए आए हैं वो ये है, यहाँ है. वो भूख आपकी पूरी करने के लिए आप इधर बैठे हैं. सही है ना? दिन भर आपने मेहनत किया है, आपकी रोजी के लिए मेहनत किया है. कुछ सक्सेस हुआ है, कुछ फ्लॉप हुआ है. सक्सेस हुआ है आपको मालूम है, थोड़ा सक्सेस नहीं हुआ है मालूम नहीं क्यों नहीं हुआ करके. कुछ सक्सेस हुआ है, क्यों सक्सेस हुआ वो भी रीज़न मालूम नहीं, शायद हो गया होगा. इंशाल्लाह एवरी क्लूज विल बी डिस्क्लोज्ड हियर. स्टेप बाय स्टेप आई विल बी टेकिंग यू टू अ लीड. माने हर एक स्टेप ब्रदर जिंदा रखने के लिए आपको रिचार्ज होना बहुत ज़रूरी है. ये ऑनलाइन क्लास आपके लिए रिचार्ज है. जैसा हम मल्टीमीटर यूज़ करते हैं ट्रू आरएमएस का, हम क्या करते हैं, रिचार्जेबल बैटरी लगाते हैं ताकि इमरजेंसी जब काम करेंगे हमारे को मेरा बैटरी मल्टीमीटर ऑफ नहीं होना. करेक्ट? घर में पावर चलता है, समझो वर्ल्ड कप चल रहा है, हम आप यूपीएस लगाते हैं क्योंकि वो एक सिंगल मोमेंट हमारे को मिस नहीं करना चाहते. करेक्ट? ये ऑनलाइन क्लास आपके लिए रिचार्ज करेगा और बूस्ट करेगा. उसके लिए आपके लिए कुछ क्वालिटीज चाहिए. सबसे बड़ा क्वालिटीज, आपको पेशेंस से सुनना पड़ेगा. दिस इज योर मेन एलिमेंट यू गो विच यू आर गोइंग टू यूज हियर. यू विल लिसन मोर. गॉड हैज गिवन अस टू इयर्स टू लिसन मोर. आई विल प्रॉमिस यू इफ यू लिसन मोर डेफिनेटली यू विल टेक वन मोर स्टेप. श्रीनिवास सर प्लीज म्यूट योर माइक. आई एम म्यूटिंग, यू आर अनम्यूटिंग. ओके, यू विल गेट यूज टू इट. डन, वेरी गुड. सो आई वॉज टेलिंग दैट, क्या बोल रहा था मैं, जालो आज कौन बात करेंगे मेरे से? जालो बात करो. यस सर. क्या बोल रहा था मैं? ये अपने पैरों पे खड़े होने के लिए हमने अभी मैच्योर होना चाहिए ऐसे, और आपका वीडियो नहीं लीक होना चाहिए. बात देखा, मैं बोला यहाँ ऑनलाइन में बैठ के आपको सीखने के लिए आपको सुनना ज्यादा बहुत जरूरी है. Am I right? और जो मैं बोल रहा हूँ, यू हैव टू बी ऑन टू द मार्क, ऑन टू द पॉइंट. इफ यू आर ए गुड लिसनर, I will promise you that you will learn what I am trying to teach you. Practical is a real experience. That means it is a feel. Theory is like cooking.
इफ योर कुकिंग इज गुड द टेस्ट इज गुड. अगर आप अच्छा खाना पकाएंगे डेफिनेटली आपको टेस्ट और स्मेल अच्छा आएगा, आपको फ्रेग्रेंस अच्छा आएगा. उसी तरह ये जो थियरी है आपके लिए होमवर्क है. सो मैं बता रहा था ब्रदर, अगर आपका कुकिंग सही है, जो फ्लेवर जो टाइमिंग आपको लगाना है, तो आपको खाने का मजा भी उतना ही ज्यादा आएगा. यहाँ थियरी में भी वही नॉलेज लेंगे, वही टाइम, वही ट्रेसिंग, वही स्टेप, वही सीक्रेट धीरे धीरे लेंगे. इंशाल्लाह आप बहुत जल्द आप एक एक्सपर्ट बनेंगे. एनीवे यू नीड रिवीजन, बार बार आपको रिवीजन चाहिए. यू नीड अ रिवीजन बैक टू बैक, यू नीड रिवीजन बैक टू बैक. ओके, समटाइम्स मे बी ऑन द फर्स्ट राउंड यू मे नॉट गेट द कंप्लीट नॉलेज और द स्ट्रेंथ. मे बी ऑन द सेकेंड राउंड यू मे गेट द कंप्लीट स्ट्रेंथ एंड नॉलेज. इफ नॉट यू कैन कम टू द थर्ड राउंड ऑल्सो. ओके, यू विल गेट अ कंप्लीट स्ट्रेंथ एंड नॉलेज. आई एम टेक सिटिंग हियर इन दिस हॉट सीट टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू. इवन आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम योर साइड दैट यू विल लर्न फ्रॉम मी एंड यू विल प्रैक्टिस एवरी स्टेप. यू हैव टू बी पेशेंस, यू हैव टू बी पेशेंस. इंशाल्लाह आई एक्सपेक्ट दैट. हम वॉट आई एम गोइंग टू टच, आई नो यू सब लोग के पास यू हैव अ कंप्लीट ब्लूम, यू हैव अ क्लाउड इन योर माइंड. आपके दिमाग में इतने क्लाउड्स है, पता नहीं रफी सर क्या सिखाएंगे, बहुत शॉर्टकट सिखाएंगे, जल्द जल्दी लैपटॉप सिखाएंगे. ऐसे आपके दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस रेज होते रहेंगे. डेफिनेटली अर्लियर वी वर नॉट डूइंग प्रैक्टिकल, नाउ एवरी फ्राइडे वी हैव प्लान फॉर प्रैक्टिकल बिकॉज दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई विनोद सर. ही प्रोवोक्ड मी टू स्टार्ट प्रैक्टिकल ऑन एवरी फ्राइडे एज रिफिक्स नेटवर्क हैज स्टॉप्ड द फ्राइडे क्लासेस. वी आर प्लानिंग एवरी फ्राइडे. इफ आई हैव अ लैपटॉप हियर डेफिनेटली आई विल डू अ प्रैक्टिकल. विनोद जी आपने वो देखा वो यूट्यूब में ये रीजन किया मैंने, वो आपका डिस्प्ले आ गया T440S. Lenovo T440S. देखो ना सर. हाँ हो गया ना, आप पूछा था क्या किया था करके, आ गया डिस्प्ले वो. अच्छा ग्रेट, बढ़िया रहा सर. हाँ, हियर इन द प्रैक्टिकल आई विल प्रूव यू व्हाट स्टेप्स यू हैव टू फॉलो. पॉइंट नंबर वन, व्हाट आर द क्लूज यू हैव टू गेज, किस तरह से एक कदम लेकर जाना वो बताऊंगा मैं आपको. एक आवर में आप एक लैपटॉप को कंप्लीट रिजल्ट कैसा लेकर आ सकते हैं ये बताऊंगा. व्हाई आई एम टेकिंग द वर्ड वन आवर, बिकॉज एक दिन में आप दो लैपटॉप करेंगे डेफिनेटली यू लर्न 60,000 रुपीज पर मंथ. एक लैपटॉप मिनिमम चार्ज 1,000 रुपीज, दो लैपटॉप को 2,000, आप हर महीना 60,000 आई विल एश्योर यू 100% आएगा. वाई ओनली टू लैपटॉप्स, थोड़े लोगों के पास 10 लैपटॉप आता है, थोड़े लोगों के पास एक लैपटॉप आता है. वो एक लैपटॉप इंप्रूव करने से दो कर सकते हैं. दैट मीन्स आई एम टेकिंग एन एवरेज. एवरेज अगर दो लैपटॉप, द फास्टर यू डिलीवर द मोर यू विल गेट द रेस्पॉन्स. जितना लैपटॉप आप बाहर भेजेंगे उतना ज्यादा बिजनेस आएगा. अगर एक लैपटॉप का आप एक दिन की जगह एक हफ्ता रखेंगे, दो हफ्ता रखेंगे, उतना ही धीरे धीरे से आपको बिजनेस आएगा. जितना फास्ट आप भेजेंगे उतना फास्ट आपको बिजनेस आना शुरू हो जाएगा. सो ऑन दैट बेसिस आई एम टेकिंग एवरेज ऑफ ओनली टू लैपटॉप्स. अगर टू लैपटॉप्स बनाने का अगर आपने डिसीशन बना लिया, इफ यू टेक द डिसीशन टू रिपेयर टू लैपटॉप्स अ डे, मॉर्निंग वन लैपटॉप, इवनिंग वन लैपटॉप, आई विल प्रॉमिस यू, यू विल अर्न दिस मनी व्हाट यू हैव पेड हियर फॉर द ऑनलाइन क्लास. फर्स्ट प्रेफरेंस. सेकेंड, यू विल बी प्राउड अर्निंग योर ब्रेड एंड बटर. AFS Solution is a company, we create engineers. जब तक आप एक इंजीनियर बनोगे नहीं बनोगे आप, जब तक आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करोगे, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा. खुद आप इतने बिजी हो जाएंगे आपको टाइम नहीं मिलेगा. मैं विनोद जी से लास्ट टाइम बात कर रहा था. यू विल हैव वन सिचुएशन, वन सिनारियो वेयर यू विल हैव टू मच ऑफ लैपटॉप्स फॉर सर्विस बट यू विल नॉट हैव नॉलेज. There is one more scenario. You will have too much of knowledge, but you will not have laptop for the service. There is third scenario. You will have knowledge also, you will have business also, but you will not have time.
फॉर दैट डे जब आपके पास टाइम ना रहेगा उसके लिए आज आपको प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है. टुडे यू हैव टू स्टैंड ऑन योर लेग्स टू लीड दैट डे. उस दिन को जीतने के लिए आज आपको आपका प्रैक्टिस आपका बुनियाद बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपके पास टाइम नहीं रहेगा एवरी मिनट विल बी मनी. योर टाइम विल बी टर्निंग इनटू मनी. आपका पैसा इनकैश होता रहेगा मनी के लिए. एक एक लैपटॉप आपका 15 मिनट में जाता रहेगा, 30 मिनट्स में जाता रहेगा और आपका पैसा नीचे इनकैश होता रहेगा. उतना अश्योरेंस मैं देता हूं अगर इसी लीड को आप में फॉलो करेंगे. और वो दिन का इंशाल्लाह आप सब इंतजार करना और उसके लिए आप मेहनत करना. नेवर टेल दैट देर इज नो बिजनेस इन दिस वर्ल्ड. देर इज बिजनेस मोर देन योर एक्सपेक्टेशन. आपकी सोच से 100 गुना ज्यादा बिजनेस हमारे इंडिया में है, बस आपका हाथ नहीं पहुंचता है. क्यों? इंजीनियर्स किस तरह से हैं आज के मार्केट के इंजीनियर्स बताता हूं, ठीक है? जो यंग जनरेशन बिजनेस है इंजीनियर्स हैं किस तरह से मैं बताता हूं. आंख है फिर भी वो देख नहीं सकते, बोर्ड में करोजन रहता है, ट्रैक कटा रहता है, लूज कॉन्टेक्ट रहता है, देखते नहीं. सो आंखों से पैरालिसिस. क्लास सिखाते हैं ध्यान से सुनते नहीं, दे विल बी डम्ब. फर्स्ट दे विल बी ब्लाइंड, सेकेंड दे विल बी डम्ब. सो दे विल नॉट लिसन. सो कानों से पैरालिसिस. हाथ प्रैक्टिस चाहिए, टेस्टिंग चाहिए, प्रैक्टिकल में परफेक्शन चाहिए, करते नहीं लेजीनेस की वजह से, माने हाथों से पैरालिसिस. आज के बहुत से इंजीनियर्स मेंटली दे आर पैरालाइज्ड. नॉलेज पूरा लेने के लिए तैयार नहीं, मेहनत करके उसके ऊपर रिजल्ट लाने के लिए तैयार नहीं, ध्यान से देखने के लिए पेशेंस नहीं और पूरा दिमाग से सुनने के लिए तैयार नहीं. तो डेफिनेटली उनके पीछे आएगा फेलियर. रिजल्ट्स, डाउट्स, ट्रायल एंड एरर्स, डाउट्स. ये ट्रायल एंड एरर्स और डाउट्स व्हेन इट कम्स अंदर कब आएगा? इट इज लाइक अ कैक्टस. एक फार्मर के पास एक लैंड रहता है. फार्मर के पास एक लैंड, जो किसान है ना उसके पास एक जमीन रहती है. जब उसके ऊपर वो मेहनत करता है ना जमीन के ऊपर, वो इंतजार करता है उसकी फसल के लिए, करेक्ट? लेकिन वो फसल आएगा उसको 6 महीने के बाद. लेकिन हर दिन रात को भी काम करेगा, दिन को काम करेगा. जब थोड़ा थोड़ा फसल आता है ना उसके ऊपर वो इंतजार करेगा कि कल मेरे को रिजल्ट मिलेगा, करे कल उसको सीड मिलेगा करके. कभी बारिश होता है बारिश से डरता है, कभी धूप होती है बारिश नहीं आता है पानी नहीं करके डरता है, कभी छोटा छोटा जब प्लांट आता है ना तो डरता है कोई जानवर चले जाएगा, कोई बच्चा चले जाएगा, वो प्लांट टूट जाएगा करके. फिर भी यकीन से वो क्या करता है, उसके ऊपर मेहनत करता है. जब 6 महीने के बाद उसके पास फसल आता है ना उसके उतना खुशी कोई नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है कि वो फसल उसके फैमिली को पालने वाला है आगे 6 महीने तक. बदर वही है ये. अगर किसान मेहनत नहीं करेगा उसकी जमीन बंजर हो जाएगी एंड देर विल बी कैक्टस और काटे रहेंगे, करेक्ट? अनवांटेड प्लांट्स. इसी तरह अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपको प्रैक्टिस हर रोज चाहिए, फिजिकली एंड मेंटली. यू नीड प्रैक्टिस. फिजिकल इज योर लैब, मेंटल इज योर थियरी. होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. माई वॉइस इज क्लियर टू यू ऑल. थोड़े लोग जुड़ रहे हैं, थोड़े लोग जा रहे हैं, थोड़े लोग जुड़ रहे हैं. शायद मेरा वीडियो चल रहा है ना इसीलिए नेट का इशू हो सकता है, करेक्ट उल्लास ब्रदर? जिस तरह से एक जमीन में क्या बनता है ना, जो काटा आता है, अनवांटेड झाड़ आता है कैक्टस जैसा, उसी तरह आपके पास एक असली थियरी नहीं है ना, असली एक सिस्टमेटिक नहीं है ना. मैं बताता हूं डेफिनेटली आपके अंदर जिस तरह से जमीन पे कैक्टस आएगा या घास उगेगी, उसी तरह आपके लैब के अंदर डाउट और ट्रायल एरर्स पैदा होंगे. मोर द डाउट
मोर ट्रायल एंड एरर्स, मोर द डाउट, मोर द ट्रायल एंड एरर्स। हमारे ऑनलाइन क्लास के लिए फीडबैक नहीं चाहिए, लेकिन आपका रिजल्ट ही हमारा असली फीडबैक है। यू विल बी सीइंग मेनी रिजल्ट्स, धीरे धीरे आपके काम में चेंजेस दिखेगा, धीरे धीरे आपके लाइफ में चेंजेस दिखेगा। हाँ, थोड़ा नींद की कुर्बानी लगती है, लेट कभी शुरू होता है, लेकिन ये पूरा आपका पेशेंस का इम्तिहान होता है। विनोद जी, कभी भी हमारा क्लास हर बार नया चला है ना, कभी भी कोई रिपीटेशन पुराना हुआ है? नहीं तो सर, एकदम फर्स्ट क्लास चकास। हमने अब तक आपके साथ 33 मतलब कम से कम मैं 60 घंटे आपसे क्लास लिया हूँ, करेक्ट? 2, 3, 6 60 घंटों क्लास चला है। यस सर, यस सर, 60 आवर्स भी हमने नया बात किया है, नया सीखा है। हाँ, एक नया सर, एकदम नया, सब कुछ रिपीट कभी नहीं होता, सब कुछ नया नया सर, हर बार मजा आता है। ब्रदर यू विल बी, मजा है पूरा। हाँ जी, बहुत मजा है सर, एंजॉय किया हम लोग ने तो, क्लास को एंजॉय किया ऐसा कह सकते हैं सर। हाँ, अश्विन भी एवरी क्लास काफी डाउट्स खत्म होते हुए, काफी डाउट्स क्लियर हुए, वर्क में भी काफी अच्छा निकला सर, काफी काम अच्छी तरह से निकल रहा है सर। इस बार हम उसको और इम्प्रूव करेंगे विनोद जी, ठीक है ना? 110% सर, यस सर। उसको हम और थोड़ा मजा लेकर आएंगे, और थोड़ा कड़क लेकर आएंगे। हाँ सर, तड़का फड़का। हाँ, तड़का मारेंगे। बिरयानी बनने के बाद क्या करते हैं, दम पे रखते हैं ताकि उसको और मस्त बने करके दम बिरयानी बनाते हैं। दाल बनने के बाद उसको बगार मारते हैं। भूख लगेगी सर, बिरयानी को याद मत कीजिए। इंशाल्लाह आपको बिरयानी दबा के खिलाऊंगा एक दिन। अरे सर, हम लोग तो सर 8-10 दिन में प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ जी, जैसी डेट फाइनल होते बताते हैं आपको। हाँ जी, उसके बारे में मैंने सोचा है, कल आपको फोन में बात करूंगा, बहुत जबरदस्त चीज सोचा है मैंने। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ही नहीं, यहाँ जितने लोग हैं सब बैंगलोर आएंगे इंशाल्लाह, उस तरह सोचा है। ग्रेट, अच्छा ग्रेट, और सब जुड़ेंगे तो बहुत बड़ा माहौल होगा, मस्त रहेगा। हाँ बढ़िया रहेगा सर। परसों इम्तियाज आके गए, आरिफ बेग आके गए, वापस वो अपने अपने मंजिल जाके पहुंच गए, पता नहीं खाली हाथ गए या कुछ लेकर गए करके। नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपके साथ ऐसे बैठते तो भी ले लेते हम तो सर। ऐसा नहीं हो सकता सर। हाँ सुब्रदस, गेट कनेक्टेड बाय 10:30। व्हाई आई हैव टेकन अ टाइम ऑफ 10:30 इज बिकॉज एवरी डे इट विल बी एन हार्ड डे फॉर यू, स्ट्रगल लेता है लाइफ का, सवेरे उठना, भागना, ऑफिस को जाना, वो धूप, वो ट्रैफिक, वो कस्टमर का प्रेशर, वो टेंशन, लाइट के सामने बैठ को काम करो, कंप्यूटर को देखो, ब्लोर लेग्ड फ्लक्स का स्मोक, पूरा फ्रस्ट्रेशन, वापस घर का फुल टेंशन। आपके पास इतना एक लाइफ स्पैन, लाइफ टाइम नहीं रहता कि आप उसको पेशेंस से सीखें। द 10:30 इज द वन ऑफ द पीसेस्ट टाइम, यू कम बैक टू होम, यू रिलैक्स, हैव योर डिनर, गिव सम टाइम टू योर फैमिली, ठीक है? नाउ इट इज योर वर्ल्ड, एक हेडफोन, सामने लैपटॉप या तो मोबाइल। हमारे हिमांशु जी मोबाइल को स्क्रीन शेयर करते हैं, कास्ट करते हैं अपने टीवी में, और टीवी में क्लास देखते हैं, बात करना है तो लई बात करते हैं, माशाल्लाह अच्छा लगता है। आज हिमांशु जी नहीं आए, लगता है नाराज हुए मेरे से। क्लास जल्दी खत्म कर दिया करके, खत्म नहीं हुआ हिमांशु जी, यकीन रखिए इंशाल्लाह बहुत लंबा और चलेगा ये। नहीं वो सर थक गए होंगे, उसका रीजन है, बात हुआ था शाम के वक्त, थोड़ा सा हम दोनों का थोड़ा काफी वर्कलोड था सर दोनों का, वो भी बहुत बिजी थे, मैं भी बहुत बिजी था, काफी सॉल्यूशनों के लिए एक दूसरे से डिस्कस किया। हाँ विनोद जी, मैं बोला ना 6:30 to 9:30 आप मेरे को पकड़ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका कोई भी सॉल्यूशन है फटाफट कराऊंगा। निकल दिया सर, सभी सॉल्यूशन निकल दिया। फिर क्या, आज आप ऑलरेडी एक्सपर्ट है, क्या टेंशन है? एक बाकी रह गया है, वो लास्ट में आज शाम को डिस्कस करते हैं, क्लास छापेंगे ना, क्या टेंशन है? यस सर, एक छोटा क्वेश्चन है, पूछ लो आपसे जल्दी जल्दी। हाँ पूछो। सर सोनी वायो का है आपका पुराना लैपटॉप है C2D?
हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रहा था, दूसरा हार्ड डिस्क डाला वो भी डिटेक्ट नहीं हो रहा है। अभी सीधा सर आगे तो कुछ उसमें मदरबोर्ड तो ओपन करूंगा मैं कल, अभी तो पैक है लैपटॉप अप्रूवल के लिए थोड़ा कस्टमर का, कि पहला हार्ड डिस्क पे डाउट था, ओरिजिनल हार्ड डिस्क तो फेल ही था सर, मैंने दूसरे मशीन में डाला उसमें भी डिटेक्ट नहीं हो रहा था। मैं बोला जब भी हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम आता है इसको रखिए आपके पास करके बोला, 250 रुपए में मिलता है। ये किस लिए यूज होता है विनोद जी? सर दिखाई नहीं दे रहा है एग्जैक्ट क्या है सर, पता नहीं अभी दिखा। यूएसबी कन्वर्टर जैसा है कुछ? हाँ, इसमें क्या है एम्पियर और आपका वोल्टेज दिखेगा, अगर आपका एम्पियर और वोल्टेज दिख रहा है इसका मतलब आपका डेटा प्लस डेटा माइनस माने ट्रांसमीटर और रिसीव काम कर रहा है, इसका मतलब वहां आपका वोल्टेज आ रहा है, करेक्ट? यस सर। करेक्ट है ना? यस सर। ये क्लू है, अगर नहीं हो रहा है आपका यूएसबी कुछ ना कुछ पतंजलि है, नहीं आ रहा है आपका 5 वोल्ट कहीं ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि इसमें 5 वोल्ट पक्का दिखाएगा, अगर ड्रॉप हुआ तो आप 5 वोल्ट का डीसी टू डीसी कन्वर्शन देख लीजिए, 5 वोल्ट कंप्लीट आ रहा है। आर डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रहा तो सर मुझे उसके आगे तो सीधे आईसीएच के साथ जाना पड़ेगा ना? हाँ, अगर वोल्टेज कंप्लीट आ रहा है सिग्नल नहीं आ रहा है हाँ, तब हम आईसीएच के पास वापस घुसेंगे, 4 कैपेसिटर रहेगा। हाँ सर ठीक है, 2 ट्रांसमीटर 2 रिसीवर, इंशाल्लाह कर लेंगे उसका, कोई टेंशन नहीं। कहाँ मिलेगा सर ये गैजेट? सब वेट करो ब्रदर, अभी शुरुआत है बोला ना मैंने, सब वेट करो, सब सबर। हाँ देखिए सबर, सब मिलेगा, मैं टाइम वेट कर रहा हूँ 12 घंटे के लिए, 12 घंटे का प्रैक्टिकल स्टार्ट करूँगा, 12:30 में ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह, अभी मेरे पास 11 मिनट है, सो स्टिल आई एम रिलैक्सिंग, मैं करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि लैब को मैं अभी आया है, करेंगे इंशाल्लाह। बच्चे ने रखे गया इधर ER750 नंबर कुछ लिखे गया इधर, स्टिकर माने कोड सर्विस टैक्स। सो एनीवे ब्रदर्स, कमिंग बैक टू द वर्ड, टुडे आई एम डूइंग वन प्रैक्टिकल आल्सो, ठीक है, टुडे आई वांट एवरीबॉडी टुमारो टू इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ इन द ग्रुप, लाइक अब्दुल सादिक फ्रॉम आंध्रा, अमित सर या न्यू मेंबर्स हियर, अंकित, अर्जुन, अश्विन ऑलरेडी इज देयर, एंड किशोर, प्लीज ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन द ग्रुप, बिकॉज यू आर ऑल आर गोइंग टू बी अ इनसाइड AFS सोल्यूशन फैमिली, यू हैव टू नो ईच अदर, कम्युनिकेट ईच अदर, बिकॉज मेनी टाइम्स वॉट हैपन्स इन AFS सोल्यूशन ओनली, यू विल गेट बायो सपोर्ट, स्कीमेटिक सपोर्ट, कन्वर्जन सपोर्ट, समटाइम्स केस सपोर्ट ऑल्सो, एवरीथिंग विल बी सपोर्टेड हियर, ओके? सो इन दैट सिनेरियो फर्स्ट यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टुमारो, डन, सलामत। हाँ जी, एनीवे अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी जालू से पूछता हूँ सवाल, जालू। हाँ सर, मैं कहाँ रुका हुआ था? आपने बोला था कि अभी प्रैक्टिकल दिखाएंगे करके, उससे पहले आप वो गैजेट के पर वो दिखा रहे थे आप, उससे पहले विनोद जी के डाउट से पहले कहाँ रुका था? विनोद जी ने वो सोनी का डाउट पूछा था, उससे पहले हम लोग, मैंने आपसे पूछा था वो गैजेट कहाँ मिलेगा, उससे पहले नहीं याद नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं आता हूँ उस पॉइंट पे। अरुण, हियर व्हाट हैपेंस, मेनी ऑलमोस्ट मेंबर्स आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, सो दे नीड हिंदी मैक्सिमम एंड इंग्लिश लिटिल बिट, कन्नड़ा इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट हियर, ओके? सो होप एज एन इंजीनियर वी शुड बी गुड इन हिंदी ऑल्सो एंड इंग्लिश ऑल्सो, बाकी कन्नड़ा ना निम जोतेलिदीनि, डे टाइम यू कैन कम्युनिकेट विथ मी एनी डाउट्स, ओके ना? गो अहेड। सो उल्लास जी, मैं बोल रहा था आपको, जब एक इंजीनियर अपना प्रैक्टिस नहीं करेगा थियरी और अपने प्रैक्टिकल के ऊपर, उसकी ताकत नहीं बनेगी, तब पैदा होगा डाउट और ट्रायल एंड एरर, करेक्ट? एकदम सही सर। हाँ, इसको बाहर हटाना, ये ऐसा एक बीमारी है जिसका कोई मेडिसिन नहीं है, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बना जिसको डाउट को बाहर निकाल सकता है, ऐसा कोई मेडिसिन नहीं बना जो आपका ट्रायल एंड एरर और डाउट्स को गेस करने की चीज को बाहर निकाला है। हाँ, एक चीज है जो इस चीज को बाहर निकाल सकती है, एक चीज है जो अपना डाउट और
आप योर ट्रायल एंड एरर्स गेस करने को बाहर निकाल सकते, वो है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपका कॉन्फिडेंस स्टार्ट स्ट्रांग हो गया, फर्स्ट डिसाइड योरसेल्फ, द कस्टमर इज गिविंग अ लैपटॉप ऑफ 30,000 ट्रस्टिंग यू दैट यू कैन रिपेयर अ लैपटॉप, यू शुड हैव द सेम कॉन्फिडेंस दैट आई कैन रिपेयर द लैपटॉप। सेकेंडरी होगा नहीं होगा बाद में देखेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस को पॉजिटिव रख लो। जिस दिन आप कॉन्फिडेंस को पॉजिटिव रखोगे, समझो आपके ऑफिस के ग्रोथ का एक सीढ़ी आपका बिल्ड हो गया करके, यू हैव टेकन वन स्टेप ऑफ लीप, डेफिनेटली ग्रो। सो ब्रदर्स, स्टार्ट योर लाइफ विथ पॉजिटिव एटीट्यूड दैट आई एम अ इंजीनियर, आई एम गोइंग टू अर्न माई मनी विथ माई हार्ड अर्न्ड, विथ माई स्वेट, विथ माई नॉलेज, आई विल अर्न माई ब्रेड एंड बटर। ना मैं भीख मांगूंगा, ना किसी से मैं अजीज होऊंगा, ना किसी के सामने झुकूंगा, मैं खुद अपना पैसा रोज का मैं 1,000 रुपया से 2,000 रुपये कमा के दिखाऊंगा, ये जिद लेकर आना। उसके लिए आपको क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए, मैं कर सकता हूं तो कर सकता हूं। इतना बड़ा क्या है चिप लेवल में जो पूरी दुनिया डरती है? उल्लास जी आपसे सवाल है, जालू का नेट आने तक। सर एक बार ऐसा होता है कि आप सैचुरेशन पॉइंट में जाते हो, पूरा दिन एक बोर्ड अगर आप बैठे लेके बैठे हो तो उस समय क्या करने का? उल्ला जी आपसे सवाल है, लैपटॉप में कितने सेक्शन है बोलते जाओ? 3 सेक्शन, वीन 3.35 वोल्ट, स्टैंडबाय 3.35 वोल्ट, बाद में 1.5, 1.8 और 1.8, यस रैम, बाद में पीसीएच, बाद में वी कोर, सीपीयू, बाद में ग्राफिक्स, जीपीयू, ये तो पावर रेल हो गई, बाद में हमारा आईओ है, चिपसेट, आईओ आके पूरा आपका स्मार्ट आईसी, पीडब्ल्यूएम नहीं बनेगा, बाद में हाँ हाँ बस सेक्शन हो गए, आई एम राइट, बैटरी सेक्शन हो गया, अब 7वां ले ले, हाँ भाई, हाँ हाँ, बस 7 सेक्शन, चार्जर भी 7 सेक्शन। आपके पास एक अम्माज बेकरी से एक पेस्ट्री आया है, पता नहीं आपको उसका ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री किस तरह से बना है, इतना अच्छा फ्लेवर, इतना अच्छा डेकोरेशन, अगर उसके किचन में आप जाके देखेंगे तो आपका आसान हो जाएगा एक पेस्ट्री बनाने के लिए। बदर लैपटॉप में सिर्फ 7 सेक्शन है जिससे आप डर रहे हैं, मैं बोलता हूं एक सेक्शन को 10 बार प्रैक्टिस करो, 10 बार 10 बोर्ड को लियो, आपके लाइफ में हजारों बोर्ड आएंगे। मैं बोलता हूं 10 बोर्ड को आपके सामने रखो, एक पेन लो, एक पेपर लो, 10 बोर्ड का एक सेक्शन को 10 बोर्ड में एनालाइज करो। If it is a Wien section, how many types of Wien section are there? How Dell is creating? How Intel? Yeah, Dell Intel नहीं आएगा, आएगा Vistron, Compal, Quanta, Inventec, इनका architecture को देखिए, किस तरह से Wien section बना रहा है, क्यों बना रहा है, stand by से, जैसे उल्लास जी ने बोला, next stand by से जाना, देखिए, stand by से किस तरह से बन रहा है, कितना types का बन रहा है, क्यों बन रहा है, what is the reason? How it is interacting? Who is helping the stand by से? 10 board, I will tell you the 11th board, you will be the master for that. बिना सोचे आपको 11th board automatic आप repair कर देंगे। RAM section, कितना RAM है हमारे दुनिया में? DDR1 हम आज की दुनिया में देखते ही नहीं, it is evaporated, eradicated. Rabies जैसा चला गया, DDR1 उसी तरह चले गया। DDR2 कोट उड़िया में आता है, DDR3 common है, 3L RAM, आज के लिए सब अब आर्किटेक्चर में आ रहा है, एसओसी में आ रहा है। DDR4 2012 में लॉन्च हुआ, सक्सेस नहीं हुआ, फिर आ रहा है, चाह रहा है, कोई गारंटी नहीं है, जब आएगा उसको देखेंगे। फिर भी DDR2, DDR3, DDR3L तीन ही है, तीन रैम, वैसा क्या डेटा है? ब्रदर यू आर स्टॉपिंग योर सेल्फ फ्रॉम लर्निंग, उस चीज को सीखने से अपने आप को रोक रहे हो, वो आपका डर है, क्योंकि आपको डरते हैं उसको सीखने से। 10 बोर्ड 3 रैम, मैटर क्लोज, जिंदगी में आपको रैम का डाउट नहीं रहेगा, मैं लिख कर ले देता हूं। बैटरी सेक्शन, कितना बैटरी, कितना ईसी होगा बैटरी सेक्शन का, इतना बड़ा कॉम्प्लिकेट क्या होता है उसको पढ़िए। सीपीयू, ये सब मैं सिखाऊंगा इधर, आई विल शो यू द पाथ, आपको कहां जाना, किस तरह से जाना, मैं आपको पाथ दिखाऊंगा, लेकिन अपना होमवर्क आप ही करना। मैं सिर्फ एक उजाला हूं, सूरज उगता है, रोशनी देता है, लेकिन रास्ता आपको चलना पड़ता है। मैं इधर बैठ के आपको रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन अपना कदम खुद रखना पड़ेगा।
मैं सबको हाथ पकड़ के नहीं लेकर जा सकता, लेकिन मैं रास्ता जरूर दिखा सकता हूँ। आई कैन शो यू योर डेस्टिनी, यू हैव टू गो देयर, बट यू आर द पर्सन यू हैव टू रीच, बिकॉज यू आर द रियल सर्जन। यू आर नॉट अ डॉक्टर, यू आर अ सर्जन ऑफ दैट मदरबोर्ड। यू आर गोइंग टू चेक एवरी नर्व ऑफ दैट मदरबोर्ड, कौन सा प्रॉब्लम कहाँ है, उस नर्व को चेक करने वाला सर्जन है। एक सर्जन ही एक्सपर्ट है, डॉक्टर ट्रायल एंड एरर्स करता है। बुखार के लिए दवाई देगा, 3 दिन के बाद आओ बोलेगा, सर्जन बोलेगा तुम्हारे को यही बीमारी है, या तो एडमिट हो जाओ नहीं तो मेडिसिन ले लो, फिर वापस नहीं आओगे करके। आप उस तरह का सर्जन बनना है, और व्हाइट कलर का प्राउड सर्जन बनना है, और आपके हुनर का टैलेंट का आपको पैसा लेना है, स्पेयर्स का नहीं। अरे स्पेयर्स का पैसा तो पूरी दुनिया में मिल लेता है, अली एक्सप्रेस में मिल जाएगा, ईबे में मिल जाएगा, दिल्ली से मिल जाएगा, बॉम्बे का मिल जाएगा, वो स्पेयर्स का पैसा लेता है। लेकिन आप एक्सपर्ट क्या है, आप एक्सपर्ट अपने नॉलेज का पैसा लेंगे। मेरे पास ये नॉलेज है, ये नॉलेज की जगह मैं इसको डालूंगा, ये कंपोनेंट ये रेडी होना है, दैट मींस यू आर गोइंग टू हिट द बुल्स आई। 10 आई से नहीं डालेंगे, मैं बोलता हूं यही की कंपोनेंट बुल्स आई को टच करो, उसको चेंज करो, अपने हक से पैसा लाओ। मैं इम्तियाज को दिखाया लाइव प्रैक्टिकल, मैंने आपको आरिफ बे को इधर दिखाया, जस्ट इस छोटा सीमोस बैटरी, आप इस सीमोस बैटरी को देखा होगा बहुत से मदरबोर्ड्स में, ठीक है, ये छोटा सीमोस बैटरी से मैंने 1000 रुपए कमा के दिखाया उनको, 1200 रुपीज, और सामने पूछ के लिया, ब्रदर आई एम गोइंग टू रिपेयर दिस, आर यू रेडी टू गिव मी द मनी। ही वॉज अ डीलर, ही टोल्ड मी यस आई एम रेडी टू गिव द मनी। उसके आंख के सामने, उसके हम छुपा के काम ही नहीं करते, बाजू खड़ा के डीलर को मैं रिपेयर करा के दिखाता हूं। वो प्राउडली अपने पॉकेट से खुशी खुशी पैसा देके जाता है। मेरा मिनिमम सर्विस चार्ज 1000 है अगर डीलर है तो, और स्पेयर्स का एक्स्ट्रा, स्पेयर्स में प्रॉफिट नहीं रखता, 200 रुपीज लेके भेज देता हूँ। और अल्लाह हर रोज मेरे को 2-3 देता ही देता है, मैं हर रोज करता हूँ, रुकता नहीं। चलो ब्रदर आप सब लोग एक्सपर्ट होंगे, यहाँ आप यहाँ आए समझो आपका सही करने के लिए। यू आर नॉट फ्रेशर टू लर्न, यू आर ऑलरेडी एन एक्सपर्ट टू ट्यून योर सेल्फ। एक मटन स्टॉल में अगर आप देखा है, जो चिकन स्टॉल मटन स्टॉल क्या है, वो गोश्त काटते रहता है, ही विल चॉप द फ्लेश। जब दूसरा कस्टमर आएगा वो क्या करेगा, अपने चाकू को तेज करेगा फिर काटेगा, दूसरा कस्टमर आएगा फिर अपना चाकू को तेज करेगा वो गोश्त काटेगा। व्हाट इज ही डूइंग, ही इज ट्यूनिंग हिमसेल्फ, अपने हथियार को तेज कर रहा है। यहां भी आप अपना नॉलेज को ट्यून करने के लिए, तेज करने के लिए आया है, और इसका पूरा चिप लेवल का सीक्रेट इट इज इनसाइड योर स्कीमेटिक्स। जिसने स्कीमेटिक को पढ़ना सीख लिया, समझो उसका आंख खुल गया, जैसा दिखना शुरू हो जाएगा, जो देखने से डरता था ना उसका आंख को रोशनी आ जाएगी। कल हमारे बच्चों को एक मदरबोर्ड सैटरडे दिखाया, सुन के सुनाया मैं प्रॉब्लम, देख के उसका भी वीडियो है, मैं भेजता हूँ यूट्यूब में, ट्रबल शूट कर लिया, उसके बाद क्लॉक साउंड आना शुरू हो गया, टिक 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 टिक, सुन के मैंने बोर्ड रिपेयर वर्क दे दिया उनको, ये चेंज करना है करके। बहुत आसान है, सीखना बहुत मुश्किल है, ये चिप लेवल कोर्स इट इज वेरी इजी, डिफिकल्ट टू लर्न, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैसा सीखोगे करके। एनीवे इट इज 12:04, ऑलरेडी आई हैव टेकन अ ग्रेस पीरियड ऑफ 4 मिनट्स। इट वॉज द फर्स्ट डे, आई प्लान टू जॉइन एट 10 o'clock. I know that everybody will be excited, and I wanted to feel that, see that excitement. You won't believe, past before coming here, 45 minutes I was talking with Jalu when I was traveling. The first test I take is your patience. Are you ready? Definitely you are ready. I am ready to give. Aap haath milaoge, main gale zarur milaunga. Okay? Class kal se ek step lekar jayega. Aaj hamara introduction hua hai. और आप सबके लिए छोटा गिफ्ट है, मैं एक लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है। एवरी फ्राइडे इफ आई हैव अ लैपटॉप डेफिनेटली आई विल डू प्रैक्टिकल। बाकी दो चीज अभी बता देता हूं, कभी कभी मेरे को जुड़ने में, ट्रैवलिंग में टाइम हो जाता है क्लास को आने में, क्योंकि मेरा लैब अलग है, मेरा घर अलग है, आने जाने में टाइम लगता है। मैं आपको उस चीज का एडवांस में एक्सक्यूज पूछता हूं, बहुत लोगों को जल्दी सोने का आदत है, थोड़ा एक 80 आवर्स का क्लास तक इस आदत को डाल लीजिए, क्योंकि आप MBA पढ़ेंगे, समझो आपको 3 साल कुर्बानी करना है, रात को कॉफी का फ्लास्क रख के आप पढ़ते हैं,
एमबीए में पैसा कमाने का नहीं सिखाएगा, दुनिया सिखाएगा। आगे जाके आपको अपनी मंजिल ढूंढना है। यहाँ आप 80 आवर्स अपना पकड़ के बैठेंगे ना फ्लास्क, मैं बोल रहा हूँ आपको पैसा कमाने का मैं सिखाऊंगा। आई विल टीच यू हाउ टू अर्न मनी, ओके? आई विल टीच यू हाउ टू अर्न मनी इंशाल्लाह। सो आई एम टेकिंग एन एडवांस एक्सक्यूज फ्रॉम ऑल योर मेंबर्स, ऑल द ब्रदर्स, दैट इफ आई एम लेट प्लीज डोंट टेक इट ऑन योर हार्ट। एंड इन बिगनिंग डोंट बी पैराडाइज फॉर द वीडियोज, I will give all the videos, don't worry. By end of the class, everybody will get the video. It is my commitment. Don't depend on videos. I am not going to give their videos in the beginning. I will not give any videos in the beginning. Okay? I want you to join here, sacrifice your time, sacrifice your internet, sacrifice your sleep and learn. Aap sab usko bait ke khurbani deke seekhoge. Okay? शुरू शुरू में थोड़ी देर में तकलीफ होगी, लेकिन बाद में आपको आदत पड़ जाएगी। फर्स्ट थिंग। सेकेंड एक्सक्यूज, समटाइम्स आई हैव सीवियर माइग्रेन अटैक्स, सो इफ आई हैव हेडेक आई डोंट टेक क्लासेस, सो आई विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू थिंक। मैं इनको सोचने की ताकत नहीं रहती जब मैं क्लास लेता हूँ, सो दैट्स टाइम आई वोंट टेक एनी क्लासेस व्हेन आई हैव माइग्रेन्स, हेडेक, हाफ हेडेक। थर्ड, Sunday, please don't disturb me. I don't take any phone calls. Sunday, please मेरे को excuse कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप भी अपना lifestyle से हटके अपने family को, सबको अपना time दीजिए। They have the rights to use your time. They have the rights to be happy with you. Sunday, लाख भी कमाएंगे, करोड़ भी कमाएंगे, please वो Sunday की कीमत उस पैसे से कम है, अपनी family को दीजिए। बाकी मंडे टू सैटरडे आपका रेल है, ठीक है? एनीवे, कमिंग बैक, नो थैंक यू, नो थैंक्स, मस्ट क्लास सर, ये सर, इंट्रोडक्शन, पूरा कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपको साबित करना है, इफ यू आर इंटरेस्टेड, एंड वन मोर थिंग, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आई एम रेडी टू रिफंड द अमाउंट टू एवरीबडी हू हैव जॉइंड हियर, ओके? इफ यू आर इंटरेस्टेड, स्टे कनेक्टेड, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ AFS सॉल्यूशन। सो विनोद जी, डीसी पावर सप्लाई लगाया मैंने, अरे लैपटॉप चालू हो गया, चालू हुआ। विनोद जी क्या क्लू है ये, व्हाट इज द क्लू हियर? चालू कहाँ हुआ सर? चालू तो कहाँ हुआ सर, ये तो करीबन 25-30 से करीबन वापस आया सर। ओके, कितना दिखा रहा है रीडिंग इधर? रीडिंग अभी तो 0-0 सर, 008 है ये। So 19 volts ampere कितना दिख रहा है? 0.09 correct? Yes sir. अभी power button press करता हूँ, मेरा power button इधर left side में है। जैसे power button press किया, कहाँ आके रुका मेरा ampere? 30 वापस 9 पे आ गया वो। फिर पावर बटन प्रेस किया, 30 पे आके रुका। हाँ सर, डन, परफेक्ट सर, परफेक्ट ना अभी? एकदम 100%। अभी फिर प्रेस किया, आपको सीवी दिख रहा है इधर? हाँ दिखाई दे रहा सर। ये क्या क्लू है? ग्रीन इंडिकेशन है, मतलब का अभी तो कोई शॉर्ट या ऐसा कुछ नहीं है वो, या एम्पीयर वोल्टेज जा रहा है सर आगे। ये कंप्लीशन नहीं हो रहा है करके क्लू है, इट इज नॉट कंप्लीटिंग। ओके, आई विल प्रेस पावर बटन अगेन। देखो मैं इधर प्रेस पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है? आई एम प्रेसिंग पावर बटन। व्हेन आई प्रेस पावर बटन यू कैन सी 30 पे पहुंचा। हाँ ओके, एनीवे आई विल रिमूव डीसी जैक। विनोद भाई, ये हमारा G6 का लैपटॉप है, ठीक है? ओके, यस सर। इसमें आपके लिए कॉमन प्रॉब्लम होगा, ओके? एनीवे मैं लैपटॉप को अभी खोलता हूँ। बच्चे को बोला था मैंने स्क्रू, कुछ भी लैपटॉप है लाइव प्रैक्टिकल करेंगे, स्क्रू करके रखो करके। एंड ये मैं इसको निकाला, और सो होप ऑल आर कनेक्टेड ब्रदर। यू कैन रिप्लाई, यू हैव अ टेक्स्ट ऑप्शन आल्सो, यू कैन रिप्लाई। ऑल आर कनेक्टेड, यस सर। हाँ अमित जी,
आपको प्रैक्टिकल बहुत पसंद है। यस सर। जी सर। एक और किसी का आवाज आया क्या? कहाँ ही आवाज सुना है ये? जालू। यस सर। मैं गया। ये जालू तो गया रे। सो अमित जी और विनोद जी, क्या आप बोल सकते हैं इसमें कॉमन प्रॉब्लम क्या है करके? एचपी G6 गन बोर्ड। इसमें तो मुझे रैम पे अटक रहा है ऐसा लग रहा है सर। रैम पीसी आपकी ख्वाहिश पूरा कर देंगे, रैम भी ख्वाहिश पूरा कर देंगे, कोई टेंशन नहीं। रैम पे अटक रहा है, 30 एम्पियर है ब्रदर। ऑलवेज रिमूव द पैनल फ्रॉम दिस साइड। कभी भी लैपटॉप ओपन करेंगे यहां से मत खोलना। डोंट ओपन फ्रॉम हियर, ओपन फ्रॉम हियर, इट बी वेरी इजी। एंड दिस इज द राइट प्रोसीजर। ओके, आई रिमूव द बैटरी, आई रिमूव द डीवीडी, आई हैव रिमूव द हार्ड डिस्क ऑल्सो। द जेंटलमैन हैज रिमूव, ही रिमूव द वाईफाई कार्ड। ओके, नाउ डोंट रिमूव फ्रॉम हियर, इट इज रिक्वेस्ट। ओपन फ्रॉम हियर विदाउट डैमेज योर पैनल विल कम। सी इट केम। सो ये हमारा गन बोर्ड है। BIOS का भी इश्यू हो सकता है, पैनल भी चेक करना पड़ेगा सर। मैं आपको बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं। गन बोर्ड में कॉमन प्रॉब्लम मैं आपको बता दूंगा, अभी बता दूंगा। क्वांटा R53, इसका मदरबोर्ड का नंबर है क्वांटा R53। HD इमेजेस को लेके करना। यस सर। हम HD इमेज को ले लें? हाँ सर, वो बेटर रहेगा सर। डन। हाँ मिल गया विनोद जी, इतना काफी है मेरे लिए ना। हाँ चलो, मेरे लिए मिल गया, इतना काफी है। डन डन सर। वेरी गुड। इसमें मैंने आपको कुछ क्लू दिखाया था। सो आई कीप द HD इमेजेस अपार्ट एंड आई हैव टू कैमरास, वन ऑन द लेफ्ट साइड, यू कैन सी हियर, वन कैमरा आई हैव लेफ्ट ऑन द वन साइड, DC पावर सप्लाई, होप इट इज शोइंग टू यू। अभी ठीक दिख रहा है उधर? यस सर। हाँ, सेकेंड आई हैव केप्ट दिस वन ऑल्सो एंड माई लैपटॉप इज ऑल्सो रेडी। So I can check everything step by step. So this part I am keeping it here. This part. Okay. I'll keep my multimeter also here to show you what I am checking. Clue number one. First clue. Whenever you are connecting an HP. Check whether your adapter LED is coming. Why? The adapter LED should glow. When it gets a communication, it should glow. You can see the LED is glowing. When the LED is glowing, it was 29. After the LED is half, you can see the ampere has been changed. Here, please watch this ampere. You can see this ampere here. You can monitor here. Okay. I will remove again. I'll put this. It has come back. Remove, put back, okay, no changes. For your clarification, I will connect the on-off switch also. Now I am pressing power button here at the on-off switch. You can see the ampere is going to 30. Still the LED is not glowing. It is coming and going. Blinking dikh raha hai. Kitna blinking hai? 1, 2, 3. Blinking count kar rahe hai? 1, 2, 3. Dikha Vinod ji? 1, 2, 3. See, it can be Intel motherboard, it can be AMD motherboard. This is an AMD motherboard. Quanta R53 is an AMD architecture motherboard. Now, HP has given me a clue of 3 blinking lights. Dell will give a clue of speaker. Theek hai Vinod ji? Ullas ji? Yes, sir. Vinod brother? Yes, sir. Haan, sir. Yes, sir. Theek hai na? HP lighting dega. और इधर डेल आपको साउंड देगा, बीप साउंड। इसमें कितना लाइट ग्लो हुआ? तीन। इसका मतलब क्या है? वोल्टेज मेरा अडाप्टर से अंदर घुस रहा है, कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। इट इज ट्राइंग टू ग्लो द अडाप्टर रेडी एलईडी बट इट इज कमिंग बैक। एम आई राइट? यस सर। इसका अडाप्टर रेडी बनेगा कहां? ठीक है, इसका अडाप्टर रेडी बनेगा कहां? उससे पहले हम एक काम करते हैं, कैमरास को थोड़ा लो करते हैं। स्कीमेटिक मिल गया, ठीक है। ओ, इट इज अ AMD मदरबोर्ड।
डन। सो इसमें हमारे को क्या चाहिए, अडॉप्टर आईडी चाहिए, एडी अंडरस्कोर आईडी। क्यों, मेरा लाइट ब्लिंकिंग होके वापस जा रहा है, देखते हैं कोई क्लू है क्या करके। अडॉप्टर आईडी मेरे को यहां दिख रहा है, ओके नेक्स्ट, अडॉप्टर आईडी यहां आ रहा है, ओके। सो एसी एलईडी ऑन, सो दिस इज माय क्लू। एट दिस पॉइंट मेरा एसी एलईडी जो है इट शुड ग्लो, एलईडी वन, एसी एलईडी ऑन, ओके। कलर के बारे में नहीं बताया इसने, सो इट इज व्हाइट कलर ओनली। इट शुड कम एसी एलईडी ऑन, सो दिस इज ऑल आई वांट सर्क्यूट, बिकॉज द क्लू 39 इट इज टेलिंग मी, द क्लू 39 इज टेलिंग मी दट माई डीसी वी इन वोल्टेज इज ओके। इफ यू वॉन्ट आई विल प्रूव यू वी इन वोल्टेज विल बी ओके। एनी मॉसफेट यू कैन सी वी इन वोल्टेज, कहीं भी कैपेसिटर पर चेक कर लो, 19 वोल्ट दिख रहा है, चेक हियर 19 वोल्ट, Vin is okay. So I will not go at Vin. The clue is whenever I am connecting an adapter of an HP, the light should blink. Unless I don't cross this circuit, I will not have a solution. So where this adapter ID is going to glow, this light is going to glow here. When I get this signal, so 5 volts will be switched here and I'll get an light here. So who is the game changer? Vinod ji, yahan game changer kon hai hamara is circuit mein? Kya kya chahiye mere ko? Apne ko sir VDD chahiye. Yahan kya kya chahiye? Ye hamara circuit hai, theek hai? ये मेरा सर्क्यूट है, हाँ। मेरे को ये एलईडी आके जा रहा है, करेक्ट? ओके। ये एलईडी आके जा रहा है, एम आई राइट? हाँ जी। तीन ब्लिंकिंग बन रहा है। हाई वोल्ट पीसी, हाई वोल्ट पीसी है जो गिफ्ट। 5 वोल्ट्स देखना है मेरे को। हाँ, वो एक देख सकते हो, और एसी एलईडी ऑन। गेम चेंजर बोलिए, गेम चेंजर। अगर ये आ गया तो यहाँ शिफ्ट होगा, करेक्ट? यस सर। एश मार्क मतलब ये आएगा और नहीं आएगा। दूसरा गेम चेंजर, अनदर गेम चेंजर, जल्दी 12 वोल्ट ऑलवेज। आए माशाल्लाह, ये मेरे को चाहिए, बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू। मेरे लैपटॉप में 12 वोल्ट कभी सुना ही नहीं है, दैट मीन्स दैट समथिंग 12 वोल्ट इज गोइंग टू जनरेट। ब्रदर आई वी विल सर्च दिस स्क्रीनशॉट, फर्स्ट स्क्रीनशॉट ऑफ द क्लास, क्लियर इट? आई एम गोइंग टू सर्च दिस 12 वोल्ट्स फ्रॉम वेयर इट इज गोइंग टू कम। 12 वोल्ट्स कॉपी, ओ इट इज कमिंग हियर 9:34:33। इसमें क्या बोलता है मेरे को, इसमें मेरे को क्या ढूंढना है विनोद जी, मेरे को क्या ढूंढना है? व्हाट आई शुड सर्च हियर? बर्थ प्लेस। आय शाबाश, ये होता है हमारा विनोद जी, बर्थ प्लेस। बर्थ प्लेस मीन्स वेयर दिस 12 वोल्ट्स इज गोइंग टू टेक बर्थ, दैट आई हैव टू ट्रेस। टेक बर्थ यहां किस, कौन से प्लेस में पैदा हो रहा है, इसको देखना, ठीक है? यस सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्रदर आप हमारा प्राउड दोस्त है जी, आई एम प्राउड। आप इस तरह आंसर देते ना, आप हिमांशु जी, हमारा जयमन, सबको, सब लोग फील प्राउड, दैट मीन्स यू हैव लर्न समथिंग एंड आई हैव टॉट यू समथिंग। एनी वे विल गो टू द सेक पार्ट, सर्च अगेन। अरे ये कुछ ऐसी मिला मेरे को, क्या ऐसी है ये, क्या इसका बर्थ प्लेस है ये? इज इट द बर्थ प्लेस ऑफ दिस ऐसी? ये तो डीसी टू डीसी है सर अपना, 100% राइट, दिस इज द डीसी टू डीसी एंड दिस आईसी इज गिविंग अ बर्थ टू दिस 12 वोल्ट, एम आई राइट? यस सर। ओके, दिस इज
इस आईसी को क्या बोलता हूं मैं, बूस्टिंग कैपेसिटर आईसी है, इसमें दो वोल्टेज बनने वाले हैं, कौन से वोल्टेज है? पेलोड ऑलवेज है और माशाल्लाह, अगर दोनों को ट्रेस कर लिया तो मेरे को आंसर मिल जाएगा, करेक्ट? मिल जाना चाहिए सर, यस सर। ये होता है हमारा विनोद जी। सो ये मेरे पास अभी, मैं स्कीमेटिक को डाउन करता हूँ, ठीक है? तो ये सर्च इंजन को भी क्लोज करता हूँ, और रहा मेरा ये डीसी पावर सप्लाई, और ये रहा मेरा डीसी पावर सप्लाई, ओके? और आई एम गोइंग फॉर द एचडी इमेज। सो इन स्कीमेटिक इट वॉज टेलिंग मी, क्या इसका पोजिशन क्या है? PU12, am I right? Yes sir. Position PU12. विनोद जी मेरे को छोड़ना नहीं, लाइन पर रहना, आप साथ में रहेंगे तो रिपेयर हो जाता है। हाँ सर। आप यहां देख सकते हैं PU12, विनोद जी PU12 लिखा है। हाँ PU12 सर। और इधर क्या लिखा है, इस कैपेसिटर का पोजीशन क्या है, PC125, करेक्ट? और इस कैपेसिटर का पोजीशन है PC152, करेक्ट? यस सर। ये ट्रैक भी काउंट है, रजिस्टर भी काउंट है, रजिस्टर भी काउंट है, कैपेसिटर भी काउंट है। सो 1, 2, 3, 4, फोर्थ इज द कैपेसिटर, दिस ट्रैक 1, 2, 3, फोर्थ इज द कैपेसिटर। सो वील चेक दिस टू कैपेसिटर्स हियर इन स्कीमेटिक्स, PC125, PC152। यहां देखो PC125, PC125, 152 मिला आपको, यू गॉट 152 12 वोल्ट्स, 152 मिला इधर। हाँ सर नीचे। हाँ अभी मैं देखता हूं अपना मदरबोर्ड में क्या है कि मेरा वो 12 वोल्ट्स बन रहा है नहीं करके देखता हूं। सी आई एम टेकिंग मल्टीमीटर, आई एम कीपिंग द प्रोब एट द कैपेसिटर, ओके? डीसी पॉप सप्लाई देखिए इसका कितना एम्पियर है करके, इट इज 8 ओनली। कितना वोल्टेज बन रहा है? 12.17। दैट मींस दिस वोल्टेज इज ओके, एम आई राइट? यस सर। लेकिन मेरे को अभी क्या देखना है, एक और वोल्टेज भी देखना है, दैट इज दिस वन VH28, करेक्ट? यस सर। VH28 मतलब PC123, PC123 स्कीमेटिक, PC123, ये मिला PC123? यस सर। PC123, ये मिला PC123? हम्म। ओके डन, इसको भी चेक करता हूं मैं, ठीक है? डीसी पावर सप्लाई, आई एम चेकिंग एट PC123, मल्टीमीटर प्रोब हियर, व्हाट इज द वोल्टेज, कितना वोल्टेज आ रहा है PC123 के पास? आई एम चेकिंग एट दिस पॉइंट ब्रदर, 12.74, करेक्ट? नाउ यस सर, स्टार्टिंग माय ब्लोअर, आई विल रिमूव डीसी पावर सप्लाई, ठीक है? आई हैव रिमूव डीवीसी पावर सप्लाई, यू कैन सी द मल्टीमीटर इज कम टू जीरो, ठीक है? ब्लोअर कर लिया मैंने, उस आईसी के पास थोड़ा फ्लक्स मारा, फर्स्ट काम क्या है, मैंने इस आईसी के पास फ्लक्स मारा अभी, क्योंकि गेम चेंजर है ना मेरा। हाँ सर। ये लिया मैंने, इस आईसी को थोड़ा हीट कर रहा हूं, I am not changing it, I have given a heat here, okay? Just light se heat mara hai, I am absorbing the heat with the cotton, absorbing the heat, okay? Hope everything is good and well,
let me check with my lens. So this is the lens I use. You'll get it in projector. Good. Done. I'm connecting my adapter. Ampere 25. Adapter LED glan. Dikh raha adapter light dikh raha aapko? Yes sir. Done. Laptop ko press karo. Laptop on. Boom. Dikha de bhai. Vinod ji happy? Yes sir, absolutely. Who is the game changer? ये गेम चेंजर आईसी था. आया डिस्प्ले, मैंने कुछ नहीं किया. नो ऑल्टरेशंस, नथिंग. राइट. तो मैंने, यू वोंट बिलीव, अगर मेरा कैमरा पूरा सेट रहता, ये आईसी अगर मेरे को 12 वोल्ट्स और 28 वोल्ट्स नहीं जनरेट करता. लेट मी शो यू द 28 वोल्ट्स आल्सो कनेक्टेड डीसी पावर सप्लाई. एम्पियर देखो चेंज हुआ है. इट इज नॉट गोइंग लेस, इट नॉट गोइंग मोर. ठीक है, आई विल शो यू द 28 वोल्ट्स. दैट मींस इन लैपटॉप there is 28 volts also. 14. When I press power button, it will be boosted to 28 volts. Still 14 volts. Vinod brother, ये अभी सोल्यूशन नहीं है, 14.318 है. हियर यू कैन सी द 12 वोल्ट्स वी इन 18. 12 वोल्ट्स इज ओके, 28 इज नॉट ओके. समझ रहे हैं? हाँ सर. दिस 28 वोल्ट्स इट इज नॉट ओके, बट स्टिल आई एम गेटिंग डिस्प्ले. इट डजंट मीन दैट माय लैपटॉप हैज रिपेयर्ड. मेरा लैपटॉप अभी रिपेयर नहीं हुआ, इट इज इनकम्प्लीट. Why it is incomplete? I have to change this IC. I have to change this. मेरे को इसको change करना जरूरी है. Unless until I don't change, I have to get 28 volts at this point. Just now मैंने सिर्फ एक clue लिया है. उस board को IC को heat करके मैंने एक clue लिया है. क्या मैं इस लिपे board को repair कर सकता हूँ करके? Okay? यस सर. सो होप ये एम्पियर का कैमरा नहीं चाहिए अभी. सो मेरे को क्या है, ये 28 वोल्ट्स कंपलसरी आना चाहिए 28 वोल्ट्स. जब तक ये 28 वोल्ट्स नहीं आएगा, विल चेक वेयर दिस 28 वोल्ट्स इज गोइंग. या तो मेरा आउटपुट शॉर्ट रहना या मेरा आईसी शॉर्ट रहना. पेस्ट इधर गया. पेज नंबर 28, पेज नंबर 41, यहां कहीं जा रहा है. वीएच 28, कहीं भी नहीं जा रहा है, उसको ढूंढना पड़ेगा. वीएच 28 प्लस वीएच 28 कहीं गया, कहीं भी नहीं दिखा रहा है. विनोद जी कहीं भी नहीं जा रहा है वो. दैट मीन समथिंग इट इज गोइंग टू गेट अब्सॉर्ब. उसको ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, ढूंढ के उसका ट्रबल शूट पकड़ना कि 28 वोल्ट्स कहां गया करके. इट इज इन द चार्जिंग आईसी ओनली. इट हैज कम टू द चार्जिंग आईसी वीएच 28. इट शुड बी कनेक्टेड समवेयर हियर. इट इज गोइंग टू स्विच द फर्स्ट मॉसफेट और द सेकेंड मॉसफेट हियर. मे बी द ड्रॉइंग इज मिसिंग और इनकम्प्लीट और समवेयर हियर. समवेयर कहीं भी हो सकता है वो वीएच 28. दैट मीन्स दिस वीएच 28 जनरेट होने के लिए कोई ना कोई रीजन है. ठीक है, उस वीएच 28 को मेरे को ट्रेस करना पड़ेगा. और बोलिए कैसा ट्रेस करेंगे हम वीएच 28 को? विनोद ब्रदर, वीएच 28 शॉर्ट है, कैसा ट्रेस करेंगे? आईसी बदल लेंगे ना सर. हाँ, फर्स्ट क्या करेंगे हम, आईसी को बदलने से पहले उधर 5 वोल्ट इंजेक्ट करेंगे. 5 वोल्ट इंजेक्ट करके कोई कैपेसिटर शॉर्ट है क्या, कोई कंपोनेंट शॉर्ट है क्या, पहले उसको देखेंगे. अगर शॉर्ट है तो बाहर निकल जाएगा. ठीक है, अगर शॉर्ट नहीं है आईसी को बदलेंगे. लेकिन रिजल्ट क्या, मेरे को क्लू मिल गया कि मेरा लैपटॉप वर्किंग है.
मेरे लिए दूसरा कोई क्वेश्चन ही नहीं है अभी, करेक्ट? ना रैम का प्रॉब्लम, ना प्रोसेसर का प्रॉब्लम, ना ग्राफिक का प्रॉब्लम, ना रिफ्लो का प्रॉब्लम, ना बायोस का प्रॉब्लम, मैंने कोई ट्रायल रन किया अभी नहीं। मैंने क्या देखा, लाइट ब्लिंक हुआ, क्लू नंबर वन, तीन बार ब्लिंक हुआ, मैंने अडॉप्ट रेडी बन रहा है जान रहा है। अडॉप्ट रेडी बनने के लिए गेम चेंजर कौन है, लाइट बन रहा है मतलब 5 वोल्ट रेडी है, स्विचिंग करने के लिए 12 वोल्ट नहीं आ रहा है। 12 वोल्ट के पास गया, मेरे को VH2080 बूस्टिंग कैपेसिटर का आईसी मिला, उस आईसी में दो इंपॉर्टेंट वोल्टेजेस है, 28 वोल्ट है और 12 वोल्ट है। दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन एवरी HP गन बोर्ड, गन टाइप का जो शेप बोर्ड आता है, इट कैन बी इंटेल, इट कैन बी AMD, ठीक है? तो 28 वोल्ट को ट्रेस किया, VH28 नॉट अवेलेबल, लाइट से हीट किया, डिस्प्ले आ गया, माने वही मेरा क्लू है। आई विल चेंज द आईसी और आई विल ट्रेस एनी कॉम्पोनेंट, आईसी को ट्रेस करने से पहले मैं 5 वोल्ट इंजेक्ट करके उधर देखूंगा कोई कॉम्पोनेंट शॉर्ट है क्या, लीक है करके, लीकेज है चेंज, माने कैपेसिटी रजिस्टर है जीरो इन्वेस्टमेंट। आईसी है तो आईसी डालेंगे, 500 रुपये में आता है, लेकिन कमाऊंगा 1000 प्लस स्पेयर्स आईसी, तो आधे घंटे में मेरे को पैसा आएगा। मैं इधर कैमरास पूरा आपको शूट कर रहा था, इसीलिए क्या हुआ मेरे को टाइम लगा। अगर नो कैमरास, इट विल नॉट टेक मी मोर देन 15 मिनट्स इफ आई हैव स्कीमेटिक्स थियरी एंड हाउ टू गो व्हाट पाथ आई हैव टू गो, एम आई राइट? यस सर। इसके बारे में आपको थियरी बताया था, आज मैंने उसको प्रैक्टिकल में साबित भी कर दिया। थैंक यू सर। इसको करना, गनबोर्ड कभी भी आएगा इसको करना ब्रदर। एनीवे, सो टुडे आई हैव प्रूव्ड यू दैट इफ यू हैव थियरी, if you have confidence before starting the motherboard laptop, I told you that this is the way I follow the HP boards. I was damn sure that HP motherboards, gun board VH28 will be a problem. Group mein kitna hi bolenge sir sab ban raha hai, Win ban raha hai, 3-5 ban raha hai, BIOS kar diya maine, reflow kar diya, CPU change kar diya, किसी को यकीन नहीं है कि उनको 28 वोल्ट्स लैपटॉप में जनरेट होगा करके, किसी को यकीन नहीं है उसमें 12 वोल्ट जनरेट होगा करके, क्योंकि वो 3-5 रैम CPU बैटरी इसी वोल्टेज में अटके हुए रहते हैं। लेकिन स्कीमेटिक्स विदाउट इन्वेस्टमेंट आपको एनकैश करने के लिए जाता है। स्कीमेटिक्स इज अ नॉलेज विच इज अ ब्लैंक चेक टू यू फॉर योर लाइफ टाइम। डन। सो होप आज का एक सिर्फ बिगिनिंग क्लास था, फ्रॉम टुमारो you take a commitment that we will learn schematics, we will learn the theory, every Friday we will have practical classes. Now I am taking a board of Dell 3521 LA9104P. Kal se hum Dell 3521 ka SOC motherboard ka schematics ko trace karenge, architecture trace karenge, HD images ke upar trace karenge, inshallah uske upar practical ka bhi boards aaye to practical bhi karke dikhayenge. Done brother? ओके सर। देखिए आज भी आपने ही बात किया मेरे से। अदर्स? यस सर। उल्लास? हाँ सर, एकदम मस्त। जकास? जकास। इंशाल्लाह। सो श्रीनिवास चार्लो, आई नो इट इज 1 o'clock नाउ, इट वाज अ फर्स्ट डे, बट दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, बिकॉज आई एम टीचिंग इट मे टेक टाइम because of the lab setup, but when you are on board on your lab setup you will start encashing your money. ठीक है? किशोर? ये ज्योति बॉम्बे टीवी सीखने जा रहा है। ये जालू? यस सर, जबरदस्त एकदम। प्रूव किया ना लैपटॉप। जयमन? ठीक है ब्रदर, इट्स ऑलमोस्ट 1 o'clock हियर, वेलकम ऑल टू AFS सॉल्यूशन फैमिली। हर रोज हमारा दुआ से क्लास शुरू होता है, आज शायद मैंने दुआ किया नहीं मालूम नहीं, और हर रोज हमारा दुआ से क्लास खत्म होता है। आप सब हमारे भाई हैं, दिल से लगे हुए हैं, और यू ऑल विल बी कनेक्टेड टू मी वेरी क्लोज डाउन द लाइन, इट विल टेक टाइम। वंस यू बी कनेक्टेड यू विल एंजॉय द लाइफ एंड फैमिली ऑफ AFS सॉल्यूशंस। AFS सॉल्यूशन हैज सेपरेट ग्रुप्स ऑफ बायो स्कीमेटिक्स कन्वर्शन support also, don't worry, I will create a group for only case study support. AFS solution has case study groups also, okay? No need to go anywhere, shake your hands anywhere, okay? Everything you will get here only under one roof, inshallah, okay? And may God bless you all. Allah aap sabko khair afiyat dende, rehmat dende, barkat dende, sukoon dende, kamyabi dende, tarakki dende, Allah aap sabko aage badhende,
ठीक है, आपके पैरों पर खड़ा होने की तौफीक अदा फरमा दे, आपको इस हुनर से कामयाब होने की ताकत दे दे। इंशाल्लाह इस जिम्मेदारी मैं लूंगा आपको सिखाने की, इंशाल्लाह आप भी सीखेंगे उम्मीद रखता हूँ। और क्लासेस विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश, लिटिल बिट मोर हिंदी लेस इंग्लिश, होप इट इज़ अ नेशनल लैंग्वेज, यू ऑल गेट यूज टू इट एंड अंडरस्टैंड। एनी डाउट्स एनीबडी इन लोकल हु वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड इन कन्नड़ा, दे कैन कॉल मी, वॉच माई वीडियोज, यू विल गेट अंडरस्टैंड डाउन द लाइन। ओके, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, will be connected from tomorrow. The classes will be Monday to Thursday. Theory is the root, practical is the stem. When the root is strong, when the stem is strong, you'll have the lifelong fruits. It is like a coconut tree. Agar nariyal ka ped ka niche strong hai na, aur jitna bhi lamba hoga na, utna hi jyada usko nariyal milega aapko, lifelong nariyal milega, pidi pidi khayenge, wahi hai ye. Theory is the foundation, practical is your stem. ठीक है, may God bless you. 1 o'clock midnight. Inshallah मिलेंगे कल. Get back to you tomorrow. Good night. Assalamu alaikum. Sasriyakal. Khuda hafiz. Good night brothers. May God bless you.